आप सभी लोगों का स्वागत है गणित विषय में प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करने के लिए। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो चाल, समय और दूरी चैप्टर में एक तरफ पैदल जाने में और वापस सवारी से आने में इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें हमें समय निकालना होता है। वही समय निकालना आज हमारा टॉपिक है। तो इस प्रश्न को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक को जानने के बाद आप इन सारे प्रश्नों को मौखिक ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए पहले 2-3 मिनट का समय हम लोग खर्च करके इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमें इस प्रकार के प्रश्नों में करना क्या है। उसके बाद तो आप प्रश्नों को मौखिक ही सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न में लिखा गया है, एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है और सवारी लेकर वापिस आने में 37 मिनट का समय लेता है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं ये हमारा ए बिंदु है और ये हमारा बी बिंदु है, जब ए बिंदु से ये बी बिंदु पर जाता है तो ये कैसे जाता है, ये पैदल जाता है, ठीक है, ये पैदल जा रहा है। तो पैदल जाने का जो समय है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। जब ये बी से ए पर वापिस आता है तो कैसे वापिस आता है, ये सवारी करके वापिस आता है। तो सवारी करके जो वापिस आने में जो समय लगेगा वो कितना समय लगेगा, वाई समय लगेगा। तो पैदल जाएंगे स्वाभाविक सी बात है हमें समय ज़्यादा लगेगा, और जब सवारी से आएंगे तो हमें समय कम लगेगा। तो पैदल जाने का समय हमने एक्स निकाला है, वाई जाने बी से ए तक वापिस आने में सवारी से जो वापिस आने का समय होगा उसको हमने वाई माना है। तो इस प्रकार जब पैदल जाने में और सवारी से वापिस आने में टोटल कितना समय दिया गया है, टोटल आपका 37 मिनट दिया गया है। यानी पैदल जाने का समय हमने एक्स माना, सवारी से वापस आने का समय वाई माना, और इस दोनों का टोटल कितना दिया गया है, आपका 37 मिनट दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता है। तो 55 मिनट में चल सकता है दोनों ओर पैदल, तो यानी कि पैदल चलने का जो समय है वो हमने क्या माना है, एक्स माना है। तो ए से बी तक जाएगा पैदल और बी से ए तक आएगा पैदल ही वापस आएगा, तो x समय लगेगा जाने में, x ही समय लगेगा वापस आने में। तो जो आने जाने का जो समय है जो पैदल जा रहा है, इसका मतलब कि ये हमें 2x का मान दिया गया है। तो हमें मान किसका दिया गया है, 2x का। कितना दिया गया है, 55 मिनट हमें मान दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 35 मिनट था। अब निकालना क्या है, दोनों ओर सवारी से यात्रा करने का समय क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो सवारी से यात्रा करने का समय क्या हमने माना है, वाई माना है। तो वाई से अगर ये जाए और वाई से ही वापस आए तो कुल कितना हमें निकालना है, यानी कि 2y का मान क्या होगा, यही हमें निकालना है। क्योंकि सवारी से आने जाने का जो समय है उसको हमने क्या माना है, वाई। तो वाई की समय से सवारी से ये जाएगा और फिर वापस आएगा तो कुल कितना समय लगेगा, 2y समय हमें लगेगा, इसी का मान हमें निकालना है। तो यानी कि हमें सवारी से आने जाने में जो समय लगेगा उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2y का मान निकालना पड़ेगा। ये जो हमने ऊपर दो समीकरण बनाए हैं इन्हीं से हम अगर 2y का मान निकाल दें तो दोनों ओर सवारी से यात्रा करने का समय निकल आएगा। उम्मीद है ये समझने वाली चीज़ थी, ये आप लोग समझ गए होंगे। ये दो समीकरण हैं, इन्हीं दोनों समीकरणों से 2y का मान आपको निकालना है। तो आप क्या करिए, पहले समीकरण में 2 का गुणा कर दीजिए, ये 2x हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा, बराबर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 × 14 हो जाएगा, 3 × 6 = 7 हो जाएगा। तो ये अब ये वाला समीकरण इस समीकरण को भूल जाइए, ये आपके दो समीकरण बचे हुए हैं। बड़े वाले समीकरण में से छोटा समीकरण घटा दीजिए, तो घटाने के लिए यहाँ पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये 2x में से x जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2y बचेगा। और यहाँ क्या बचा है, आप 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ 6 में से 1 जाएगा, 5 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि आपका कितना आंसर आ जाएगा, 19 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 2y का मान निकल आया है, 2y ही दोनों ओर सवारी से यात्रा करने का समय है। तो 2y दोनों तरफ सवारी से यात्रा करने का समय है, जो कि कितना निकल रहा है, 19 मिनट निकल रहा है। तो इस प्रकार आपका 19 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये तो बेसिक मेथड था जो कि चित्र बना के आपको समझाया गया है, समीकरण बना के आपको सॉल्व कराया गया है, लेकिन ये सिर्फ समझने का मेथड है। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे आप, तो आप ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा भैया हो गया कॉन्सेप्ट, अब आपको करना क्या है, ट्रिक क्या है इस प्रश्न की, ये भी समझ लेते हैं। ट्रिक ये है कि एक तरफ पैदल और दूसरी तरफ सवारी का जो समय दिया गया हो 37 मिनट,
इसका क्या करिए, डबल कर दीजिए। तो 37 का आप डबल कर दिए, चलिए यहीं पर कर देते हैं, 37 का डबल कर देंगे तो 7 × 14 हो जाएगा और 3 × 6 = 7 का हो जाएगा। और जो दूसरा वाला समय है उसको घटा दीजिए, तो 55 लाख इसमें घटा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 19 आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है, एक तरफ पैदल दूसरी तरफ सवारी से जाने का जो समय है उसका डबल करके जो दूसरा वाला समय होता है उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारी ट्रिक है और ये हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का हम लोग बेसिक मेथड बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, लॉजिक और कॉन्सेप्ट का किस तरह यूज करना है वो भी समझ चुके हैं। तो अब हम लोग अपने जो 2-3 प्रश्न हमें आगे करने हैं उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे और मौखिक ही उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगला हमारा जो प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति किसी दूरी पर पैदल जाने में तथा वापस घुड़सवारी द्वारा आने में 6 घंटे 15 मिनट का समय लेता है। तो यानी कि पैदल जाना है और वापस घुड़सवारी से वापस आना है, कितना समय लगेगा, 6 घंटे 15 मिनट। तो जो पहला वाला समय होता है इसका हम लोग दोगुना करते हैं, डबल करते हैं। तो 15 मिनट का डबल करेंगे तो 30 मिनट होगा और 6 घंटे का डबल करेंगे तो आपका 12 घंटे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, दोनों ओर पैदल यानी दोनों ओर पैदल आने और जाने में उसे 7 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। तो जो दूसरा वाला समय दिया होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखकर घटा देते हैं। और निकालना क्या है, दोनों ओर घुड़सवारी द्वारा आने जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा ये निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पहले वाले समय का डबल करके दूसरा वाला समय घटा देते हैं। तो चलिए इसको घटा देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि ऊपर आपका 30 मिनट दिया गया है, नीचे आपका 45 मिनट दिया गया है, तो घटेगा तो है नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक उधार ले जाना पड़ेगा। तो 1 घंटे में से 12 घंटे में से 1 घंटा हम लोग उधार ले जाएंगे। जब मिनट के पास 1 घंटा ले जाएंगे तो यह कितना बन जाएगा, ये 60 मिनट बन जाएगा। यहाँ से 1 घंटा हम उधार ले गए हैं, यहाँ कितने घंटे बचे हैं, 11 घंटे बचे हैं, इसको हम लोग अलग लिख लेते हैं। तो 60 मिनट हम लोग उधार ले गए और 30 मिनट हमारे पास पहले से था, अब हमारे पास कितना बचा है, 90 मिनट बचा है। यहाँ पर घंटे कितने बचे हैं, 11 घंटे बचे हैं, नीचे कितना है आपका 45 मिनट है और घंटे में कितना है, 7 घंटे हैं। चलिए इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 बचेगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा, यानी 4 घंटे 45 मिनट आपका आंसर रहेगा, विकल्प तीसरा आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो यही करना है, ट्रिक आप बहुत अच्छी तरीके समझ चुके हैं। उसके अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए एक प्रश्न हम लोग और करते हैं। ये तो रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये यही हमारा पहला क्वेश्चन था, चलिए इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। मैं कुछ दूरी तक पैदल जाता हूँ, वापस सवारी से आने में कुल 37 मिनट का समय लगता है, यानी इस समय का आपको डबल करना है, तो 7 × 14 और 3 × 6 = 1 हो जाएगा 7। और आगे लिखा है, दोनों ओर पैदल चलने में मुझे कितना समय लगता है, 55 मिनट का समय लगता है, दोनों ओर सवारी से आने जाने में कुल कितना समय लगेगा, तो डबल करके ये जो आपका दूसरा समय दिया होता है इसको आप घटा देते हैं, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। घटा दीजिए, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 19 मिनट आपका आंसर रहेगा, विकल्प ये दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा, यही काम करना है। तो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल हमारे पास और है और ये वाला सवाल आपको ध्यान से पढ़ के बहुत ही आराम से पढ़ना है और इसको बहुत सोच समझ के इसका आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से पैदल जाने में और सवारी से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यानी कि ये जो समय होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, दोगुना करते हैं, तो 30 मिनट का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा और 6 घंटे का डबल करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 घंटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि वह दोनों तरफ सवारी से जाता तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बच जाते। अब इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है 2 घंटे 10 मिनट बच जाते, तो बचने का मतलब होता है 2 घंटे 10 मिनट कम लगता है। यहाँ पर यह नहीं लिखा है दोनों तरफ सवारी से जाने में उसे 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं, ये नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है 2 घंटे 10 मिनट बच जाते। यानी कि पहले अगर वो 6 घंटे 30 मिनट में जा रहा था, अब वो 2 घंटे 10 मिनट कम समय में जाएगा। तो यानी कहने का मतलब उसे कितना समय लगेगा, निकालने के लिए
6 घंटे 30 मिनट में आपको 2 घंटे 10 मिनट घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो कितना समय आएगा, 4 घंटे 20 मिनट का समय आएगा। यानी दोनों तरफ सवारी से जाने में उसे कितना समय लगेगा, 4 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है। तो दोनों तरफ पैदल जाने का समय निकालने के लिए पहले समय को डबल करके दूसरा वाला समय जो कि हमने 4 घंटे 20 मिनट निकाला है इसे घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, चलिए घटा दीजिए, 60 में से 20 जाएगा तो बचेगा 40, और 12 में से 8 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा। तो 8 घंटे 40 मिनट आपका आंसर रहेगा। 8 घंटे 40 मिनट कहाँ पर है, विकल्प तीसरे में है, तो तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमें सवारी से जाने में और या पैदल जाने का जो समय दिया होता है उसमें हमें उस समय को निकालना होता है, सॉल्व करना होता है। ये आपका बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इसको देखते रहिए, समझते रहिए, लगातार आप YouTube चैनल के साथ बने रहिए। इसमें बेसिक मैथ ही पढ़ाई जा रही है, अगर बेसिक मैथ में आपके 2-3 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं उसको देखना है तो प्लेलिस्ट उसकी बनाई जा चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाके बेसिक मैथ भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।